क्राइस्ट लॉर्ड, सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा नमस्कार। पवित्र शास्त्र बाइबल की स्त्रियों से सीखे ये शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हाय प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में शामिल हुई एक स्त्री तामर की कहानी सुनेंगे। वंशरहित अकाल मृत्यु और विधवापन से अपराध के द्वारा इस धरती पर सफलता प्राप्त हुई स्त्री तामर की और उनकी जैसे अनेकों को आनंद जीवन का संभावनाओं को प्रदान करते हुए उनके वंश में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। इस कहानी से हम निश्चित समझ सकता है कि प्रभु यीशु अपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा अपने इस वंशावली को शुद्ध और पवित्र किया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक 38 अध्याय में तामर और यहूदा के बारे में बाइबल प्रस्तुत करते हैं। तामर नाम का अर्थ खजूर का पेड़ है। विद्वानों के कहने के अनुसार वह एक कनानी या कोई अज्ञात मूल की स्त्री है। इजराइल के इतिहास में प्रभु परमेश्वर के द्वारा चुने गए सारा रिबका लिया जैसे स्त्रियों के साथ इजराइल के यहूदा का वंश का एक महत्वपूर्ण भूमिका में यह स्त्री कैसे पहुंची है, आइए हम देखें। याकूब और लिया का पुत्र यहूदा अपने भाइयों से अलग होकर शुआ नाम के एक कनानी पुरुष की बेटी से विवाह कर लिया था। उसके द्वारा उन्हें एर, ओनान, शेला नाम के तीन बेटे उत्पन्न हुए थे। यहूदा ने तामार नाम एक स्त्री से अपने जेठ पुत्र एर का विवाह कर लिया था, परंतु यहूदा का वह पुत्र एर यहोवा के लेख में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। तब यहूदा ने उस देश के रीति रिवाजों के अनुसार अपने दूसरा पुत्र ओनान से तामर के विवाह इसलिए करा दिया कि अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर दे, लेकिन वह उसके भाई के नाम से वंश चलाना ना चाहा। इस कारण यहोवा उससे अप्रसन्न हुआ, सो वह भी संतान रहित मर गया। अपने दोनों पुत्र के मौत के कारण अपना छोटा पुत्र शेला को तामर को देने में यहूदा डर गए थे, इसलिए यहूदा अपने बहू तामर से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सियाना ना हो तब तक अपने पिता के घर में विधवा बनकर बैठी रह। सो तामर अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। समय बीतने पर यहूदा की पत्नी मर गई। उसके बाद यहूदा वेश्याओं के पास भी जाना शुरू कर दिया। इधर विधवापन के वेश में रह रही तामर को लगा यहूदा अपने बेटा शेला सयाना होने पर भी उन्हें वापस नहीं बुला रहा है। तभी एक दिन उन्हें एक समाचार मिला कि उनके ससुर अपने भेड़ बकरियों को ऊन कतारने के लिए तिम्ना को जा रहा है। तब वह अपने विधवापन का पहरा उतारा और घूंघट डालकर अपने को ढाप कर एक वेश्या के रूप में यहूदा के रास्ते में बैठी रही। जब यहूदा ने उसको देखा उसने उसको वेश्या समझकर उसके पास गया। वह अपने मुख ठप्पे हुए थे, इसलिए यहूदा तामर को ना पहचाना। बदले में तामर ने यहूदा के हाथ से उनके मुहर और बाजूबंद और उनका हाथ की चड़ी एक तीनों धोखे में लेकर चली गई। लेकिन और वह उससे गर्भवती हुई। जब यह बात यहूदा को पता चला तब वह उन्हें मार डालना चाहते हुए उनके घर गया। जब तामर को लोग बाहर निकाल रहे थे तब उसने अपने ससुर के पास एक काला भेजा कि जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं उसी से मैं गर्भवती हूँ। फिर उसने यह भी कहलाया कि पहचान तो सही की यह मुहर और बाजूबंद और चड़ी किसकी है। यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है क्योंकि मैंने उससे अपने पुत्र शेला को ना व्याह दिया। इसलिए तामर को कोई कुछ ना कहा। जब उसके जन्मने का समय आया तब वह जुड़वे बच्चों को जन्म दिया। वे उनके नाम फिर सर जोरख रखा। मतिरजे सुसमाचार 1:3 में प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में हम देख सकता है यहूदा और तामर से जोरख और फिरिस उत्पन्न हुए। वह फिरिस के वंश में दाऊद उत्पन्न हुए थे। वास्तव में यहूदा ने अपने बहू को ना पहचान कर उनके पास गए थे, लेकिन तामर सब कुछ जानते हुए और अपने प्राण को भी रक्षा करने का उपाय भी करती हुई उन्हें धोखा दिया है। तामर जो कुछ किया वह अपराध नहीं है, सो यहोवा ने उन्हें क्यों जीवित रहने दिया? एक की उत्तर है, वो यह है कि परमेश्वर के लेख में उन्हें ना मार डाला गया। इसलिए हम भी यह समझ सकता है कि तामर अपने अभिलाषाओं के कारण या अनाचार की बातों से भी नहीं बल्कि वह इसके द्वारा अपने भविष्य सुरक्षित करने की योजना बनाती है। उसके लिए वह अपने ब्याह किया गया घर के लिए एक बच्चे का चाहत में गई। वह अपने अधिकारों के प्रति दृढ़ थी और यहूदा के परिवार के प्रति उनकी गहरी वफादार के चलते हर सदियों की सामाजिक और नैतिक परंपराओं को वह तोड़ डाली है। वह अपने पति के नाम उनके वंशावली में समाप्त नहीं करना चाहती थी। परमेश्वर उनकी मानसिकता को स्वीकार किया और उन्हें बच्चे दिया। लेकिन कुछ सदियों के बाद लेवी व्यवस्था 18 में यहोवा ने मूसा के द्वारा
इजराइल जाति को दिया गया व्यवस्था में यह अपराध के लिए मृत्यु दंड की आज्ञा दिया गया है। अलपत्ति की पुस्तक 49:10 के अनुसार याकूब कनान देश के अकाल के कारण मिस्र देश में गए थे, तब उनके वंश से तामार के बच्चे भी शामिल थे। जब मिस्र देश में याकूब अपने मृत्यु के पहले अपने बच्चों को आशीर्वाद दिए थे, तब जो अनुग्रह वह यहूदा को दिए गए थे, वह आशीष तामार और यहूदा का पुत्र फिरिस के वंश के द्वारा इतिहास में पूरा हुआ था। पिता परमेश्वर ने उनकी और सारा मनुष्य जाति के अपराधों को दूर करने के लिए उनके वंश में प्रभु यीशु मसीह को भेजा। प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस के द्वारा इस वंशावली को पवित्र बना दिया है। आज भी पापों में फंसे हुए और उस अधर्म से बचना चाहने वाला अविश्वासी लोगों के लिए प्रभु यीशु के क्रूस के द्वारा मानव जाति को मिला हुआ छुटकारे के संदेश इसमें है। जातिवाद के कारण समाज के द्वारा तिरस्कृत किया हुआ लोग हो या किसी भी जनजाति या समाज स्वीकार ना कर सकता है, ऐसे अपराध में दोषी पाए गए हो, सबके लिए प्रभु यीशु के क्रूस के द्वारा उद्धार का आशा है। पाप का मजदूरी जो अनंत मृत्यु है, वह लेग मनुष्य के लिए हो चुका था, वह मृत्यु प्रभु यीशु ने कालवरी के क्रूस पर समाप्त कर दिया है। इसलिए पहला योहन्ना का 1:9 कहते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारा अपराधों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कोई भी व्यक्ति प्रभु का उद्धार और अनुग्रह से बाहर नहीं है, केवल पश्चाताप की आंसू के साथ प्रभु की ओर देखें। प्रभु आपको नया जीवन और शांति देगा। प्रभु यीशु को उद्धार करता स्वीकार किए हुए लोगों के लिए इस कहानी के द्वारा एक संदेश देता है कि पापों में डूबे हुए लोगों से निश्चिंत होकर प्रभु यीशु का क्रूस के द्वारा हमें मिली हुई स्वतंत्रता तथा पापों की क्षमा का सुसमाचार का प्रचार करें। लेकिन विश्वासियों के व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रेरित पौलुस इब्रानियों की पत्री 6:4-6 तक के आयतों में कहते हैं, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाला युग के सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे फटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। इसलिए विश्वासियों सावधान और पवित्र आत्मा का सहायता अपने जीवन के लिए प्राप्त करें। जी प्रियो, यहूदा और तामर की गलतियों को माफ करके उनकी वंश को अपने महान उद्धार का कार्य के हिस्सा बनाया हुआ परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें भी आने वाला हर जनरेशन के लिए उनके महत्वपूर्ण कार्यों का हिस्सा बनाया है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हुए एक वीडियो को समाप्त करते हैं। प्रभु का अनुग्रह और शांति आपके साथ हो। आमेन, हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल की और महिला व्यक्तित्वों के साथ हम फिर मिलेंगे।